नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसए 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी सिविल सर्विस प्रीलिम्स जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में कैटेगरी वाइज ईयर वाइज हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 2005 से लगाकर 2017 तक का जो कट ऑफ है वो हमने विश्लेषित किया है पूरा, 2005 से लगाकर ये 2017 तक, 15 तक तो यहाँ है और ये 15 16 17 तक का इसमें दिया गया है। तो इस वीडियो तक आप लास्ट तक देखिएगा ताकि उससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि जो कट ऑफ का ट्रेंड है किस प्रकार से वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं या जो क्वेश्चन पेपर है उसका इंक्लिनेशन किस ओर हो रहा है, ये सारी चीज़ हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं हूं आपका दोस्त श्याम भाटिया और आप सभी ई एकेडमी 123 चैनल पर देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2018 सीएसपी सिविल सर्विस प्रीलिम्स। तो आज हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ही साधारण सा जो पेपर है दिखने में था, सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर सिंपल आया है, लेकिन सिंपल आने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन सिंपल था, बट उसकी जो जो चीज़ वो आपके अंदर छानना चाहता था या जो एब्जॉर्व करना चाहता था एग्जामिनर, वो अभी भी दूर की कौड़ी है। यानी अगर सिंपल पेपर आया है तो सिली मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं और भी बहुत सारी चीज़ है। तो कट ऑफ जो अल्टीमेटली अगर हम इस कट ऑफ के बारे में बात करें तो सब कुछ जो आया था वो एक बैलेंस्ड पेपर था, पूरा जो क्वेश्चन पेपर आया था पूरा बैलेंस्ड था, स्टैटिक जीके भी आया था, करंट अफेयर्स भी आया था, तो इस प्रकार एक स्टेबल क्वेश्चन पेपर कह सकते हो। और यूपीएससी तो ऑलरेडी ही जिस प्रकार के वो अपने एस्पिरेंट्स को एनालिसिस करके लेती है या जिस जो उनके एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑफिसर्स के रूप में देखना चाहती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जितना स्टेबल वो लोग बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उन जो एक्सपीरियंस है उनमें देखना चाहती है और वो चेक करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें तो एक अलग बात हो गई है, ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आज हम कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कैसे जो कैटेगरीज होती हैं उनसे ईयर वाइज क्या क्या वेरिएशन आया, क्या क्या सारी चीज़ें अपन आज बात करने वाले हैं। तो जो आया था कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी या करंट अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन, एनीवे जो भी कुछ आया था वो सब कुछ इस अनुपात में आया था कि आपके ज्ञान यानी जो विंडो ऑफ माइंड है यानी ज्ञान की खिड़की से वो लोग ये झांक कर चेक करना चाहते थे कि आपका एक संतुलित प्रकार का विचार है कि नहीं, तो क्योंकि उन्हें उसी प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सीएसपी 2018 की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो ओपन कैटेगरी की हम बात करेंगे यानी जनरल की, ये 2015 में जो आया था 107.34 इसकी कट ऑफ रही थी और ये 2016 में बढ़ गई थी थोड़ी, 116 हो गई थी। उसी प्रकार जब 2017 का प्रीलिम्स हुआ यानी सीएसपी जब हुआ तो ये 105.34 हो गई और इस साल एक्सपेक्टेड की हम बात करें तो 104.76, ये पिछले साल से भी कम जाने की उम्मीद है। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन पेपर भले ही सिंपल आए हो लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर सिंपल पेपर आया है तो सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस है और उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत अनिवार्य बात ये आती है कि अगर आपने सिली मिस्टेक से कुछ नुकसान किया आपका, और तो ऐसे ही पैटर्न अगर सारे स्टूडेंट्स में फॉलो होता है तो वो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम होने के चांसेस है। तो इस साल 104.76 का अनुमान लगाया जाता है और अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि ये कोई ऑफिशियल या अथेंटिक एजेंसी से नहीं है बल्कि एक अपना अनुमान है, एक ट्यूटर का अनुमान है या एकेडमी का एक एक्सपेक्टेशन है कि इस रेंज में आ सकती है, तो ये एक अनुमान अपने लगाया। फिर ओबीसी की बात करें तो 106 गई थी 2015 में और 2016 में ये 110.66 हो गई थी, इसी प्रकार 2017 में 102.66 हो गई थी और इस साल इसकी उम्मीदें 101.23 होने की अनुमान अपन मान रहे हैं। इसी प्रकार एससी की 94 गई थी 2015 में और 2016 में 99.34 ये मार्क्स है ना, इतने मार्क्स गई थी और फिर 2017 में 88.66 एससी की कट ऑफ गई थी और इस साल थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है। ये जनरल और ओबीसी की लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली
कम जाने की उम्मीद है, लेकिन एससी की वापस अगेन बढ़ने की उम्मीद है, यानी 88.66 से लास्ट ईयर गई थी तो इस साल 91.64 जाने की उम्मीद है। और इसी प्रकार एसटी की अपन बात करें तो 91.34 गई थी 2015 में, 16 में इसी प्रकार 96 यानी बढ़ गई थी, और इसी प्रकार 2017 में 88.66, लेकिन इस साल यानी एक्सपेक्टेड जो है 90.21 जाने की उम्मीद है। इसी प्रकार PH1, PH2 और PH3 की भी अपन बात करें तो 90.66 2015 में, 2016 में 75.34 और 2017 में 88.88, और इस साल की जो एक्सपेक्टेड है वो 86.12 जाने की, इतने मार्क्स जाने की उम्मीद। इसी प्रकार PH2 की 76.66 और 2015 में, 2016 में 72.66 और CSP 2017 की 61.34 गई थी और इस साल 60.1 मार्क्स जाने की उम्मीद। इसी प्रकार PH3 की 40 और इस साल इनकी कम होने की उम्मीद है। तो ये एक अपने पास आइडिया आ गया। अब अपन बात करते हैं कि 2015 से लगाकर अब तक का ट्रेंड कौन सा फॉलो हुआ, तो उस पर अपन बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 2005 से लगाकर 2017 तक का ट्रेंड, तो यहाँ 2015 तक है क्योंकि जो पिछला अपन ने उस साइड देख लिया, तो 2005 की अगर हम बात करें तो 450 नंबर का हुआ था पेपर, उसमें से 284 गई थी कटऑफ, यानी 284 नंबर गई थी। कब ओपन की बात कर रहे हैं अपन, यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और कैटेगरी की तो इससे कम ही गई होगी जाहिर सी बात है, तो मैक्सिमम अपन उस एक्सट्रीम केस को देख रहे हैं, यानी ओपन कैटेगरी में 2005 में कितनी गई थी 284, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इसमें 450, ये 63.11% ये परसेंट को शो कर रहा है, यानी इतना परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य था, उन्हीं को मेंस के लिए वो हरी झंडी मिली थी। इसी प्रकार 2006 में 282 आउट ऑफ 450 62.66 गई थी, 2007 में 256 गया था, 2008 में 244, 2009 में 250 आउट ऑफ 450 की बात कर रहे अपन, और 2010 में 248 आउट ऑफ 450। उसके बाद यहाँ से एक थिन लाइन आती है जब सीसेट इंक्लूड होता है इसमें, जब सीसेट इंक्लूड होता है तो फिर 200 नंबर के जनरल स्टडीज़ और इसके 200 नंबर के दोनों पेपर हो गए, तो ये 2011 में 198 मार्क्स आउट ऑफ 400 यानी 49.5% इसका कट ऑफ सिक्योर था। इसी प्रकार 2012 में 209 आउट ऑफ 400, 13 में 241 आउट ऑफ 400, 60.25% है सारे, यू नो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। 2013 में 241 गए, 2014 में 205 नंबर गए थे आउट ऑफ 450, और 2015, 16 और 17 अपन इस पेज में जो पीछे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 15, 16, 17 में आप लोग देख ही चुके हैं, तो ये आपके सामने इतना बड़ा था, तो आपको घबराने की आवश्यकता तो कोई नहीं, बहुत अच्छा पेपर आया था। और यूपीएससी अब वास्तव में जो डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी में जाने का योग्य भी है और इच्छुक भी है, उन लोगों को खंगालना चाह रही है, तो आप चिंता मत करिएगा, बहुत ही आसान पेपर था और मेंस के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर इस कैटेगरी में आपका क्वेश्चन पेपर के जो मार्क्स आए हैं वो अगर फॉल करते हो तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं, लेकिन मेंस का पेपर भी पूरा बैलेंस्ड ही आने वाला है, तो इस प्रकार से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा पेपर निकाला और सब चीज़ें बहुत अच्छी है, बस आपको डेडिकेट होकर निकालना है। तो ये एक कटऑफ का था, इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हो या कोई भी चीज़ हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो उम्मीद है कि पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे आप सब्सक्राइब करेगा तो हम आगे के लिए हमें भी ऊर्जा मिलती है और इन चीज़ों से रिलेटेड और भी आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें लाकर रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।